जय श्री हरि, जय श्री सच्चिदानंद। आदरणीय प्रेमी भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के कलिकाल में हम सबों को शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा, अगर शिक्षा हम नहीं जानेंगे, आप नहीं जानेंगे, लोग नहीं जानेंगे, तो हम कैसे समझ पाएंगे। शिक्षा हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा वह चीज़ नहीं जो हम विद्यालय में, पाठशाला में पाठ के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, पाठ के माध्यम से जानते हैं। शिक्षा तो वह है जो हम पाठ के अलावा, पाठशाला में पाठ के माध्यम से जो पढ़ते हैं उसके अलावा भी अनुभव करते हैं, वही शिक्षा है। दरअसल शिक्षा को अगर कहा जाए तो शिक्षा हमें अनुभव से ही मिलती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को पाठ पढ़ाकर उसे याद करवाना बिल्कुल भी नहीं होता। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो व्यक्ति को पाठ से मिली हुई ज्ञान को समझाकर समझदार बनाना होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पाठ से मिली हुई ज्ञान को समझाकर एक व्यक्ति को समझदार बनाना होता है। शिक्षा किताबों की मोहताज नहीं होती है, शिक्षा तो हमें अनुभव से मिलती है। इसलिए हर समय, हर पल, कहीं भी कोई भी काम करते हैं वो हमारे लिए शिक्षा ही। अशिक्षित को शिक्षित बनाना, अशिक्षित को शिक्षित बनाना, अज्ञानियों को ज्ञान और शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महा, भारत देश महा। इसलिए हमें शिक्षा अति महत्वपूर्ण है और हमें जरूर शिक्षित होना चाहिए। आगे अगर कहा जाए शिक्षा के बारे में, तो एक शिक्षक शिक्षा के लिए दरवाज़ा खोल सकता है, एक शिक्षक शिक्षा के लिए दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन शिक्षा का अनुभव करने के लिए उस मनुष्य, वह इंसान को उस खुले हुए दरवाजे में प्रवेश करना ही होगा, तभी हम वह शिक्षा का अनुभव कर पाएंगे। शिक्षक का काम होता है शिक्षा का द्वार को खोल देना, लेकिन एक विद्यार्थी का काम होता है उस खोले हुए दरवाजे में जाकर डुबकी तब तक लगाते रहना जब तक कि वह ज्ञान को, उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर लेता है। और अगर शिक्षा के बारे में कहा जाए तो एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वह अपने आप को शिक्षित करता है, लेकिन यदि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वह पूरे वंश को, पूरे पीढ़ी को शिक्षित कर देती है। तो खास करके महिला जरूर शिक्षित हो, आसपास की महिलाएं जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो शिक्षा का महत्व समझ रहे हैं, जरूर अपने आप को शिक्षित करें, जरूर शिक्षा प्राप्त करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ को अशिक्षित को शिक्षा देना, अशिक्षित को शिक्षा देना, अज्ञानियों का ज्ञान, क्योंकि शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान, भारत देश महान। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद।